कबीर का एक निर्गुणी भजन समापन के बतौर। सूरदास की भजन की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ क्योंकि भजन काफ़ी बड़ा है, एक बानगी के बतौर यहाँ गा रही हूँ। उधो अनुरागी उधो अखियां अति अनुरागी इकटक मगजोबती इकटक मगजोबती अरुरोवती भूले हूँ पलकन लागी न लागी उधो अखियां अति अनुरागी उधो अखियां अति अनुरागी बिन पावस पावस ऋतु आई बिन पावस पावस ऋतु आई देखत है विद्वान अब धो कहा कियो चाहत है छ
छांडहु निरगुण ज्ञान, निरगुण ज्ञान उधो अखिया अति अनुरागी अनुरागी। मियां मल्हार की बंदिश आपको सुनाती हूँ, कुमार जी द्वारा बनाई हुई है। झरियो झरी आयो री इतते चहु दिसते बादरी गरज बरस आयो री सावन झरियो झरी आयो री सावन झरियो झरे आयो री इतते उतते चहु दिसते सावन झरियो झरे आयो री इतते उतते चहु दिसते बादरे गरज बरस आयो रे सावन झरियो झरे आयो। ये हो गई स्थाई। बांधियो, अब हम अंदरा पे आते हैं। बांधियो आंबा पे झूलारी आ बांधियो आंबा पे झूलारी आवा सहेला मिलगावो रे सावन झरियो झरे आयो रे सावन झरियो झरे आयो रे सावन सावन झरियो झरे आयो रे। तराने की बात हुई है और एक और कुछ सुनाना है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं आपको एक मेघ मल्हार में छोटी सी एक बंदिश गुनगुना देती हूँ और फिर बाद में तराना गुनगुना देती हूँ। चूँकि आप तबला वगैरह तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही सुर के साथ में केवल तानपुरा बज रहा है तो उसी के साथ गा देती हूँ। ये आ बोलन बोलन लागे बोलन लागे पपिया रे बोलन लागे। बहुत पुरानी बंदिश है ये, कुमार जी की नहीं है, पुरानी बंदिश है परंपरागत। बोलन लागे आ बोलन लागे आ
बोलन लागे, पपियारा रे बोलन लागे, पपियारा रे बोलन लागे, पपियारा रे मुरला दुर्वा झिंगारा बोलन लागे। आ आ बोलन लागे ये बोलन सुनरी सखी, आ सुनरी सखी जिया की बिथा पिया बिन कैसे करूं मैं सिंगार रा बोलन लागे, पपियारा रे बोलन लागे। अब गौड़ मल्हार का तराना। धीमतानो तनन देरे ना दीम धीमतानो आदीमतानो तनन देरे ना धीमतानो तनन देरे ना तारे दानी तदानी दानी तोम नोम तोम धीमतानो तनन देरे ना आदीमतानो तनन देरे ना दियाना रे तदियन रे तोम दीदी तोम तनन नन न नाद्रे तुंद्रे तोम नोम तोम धीमतानो तनन देरे ना। ये कुमार जी का तारा।